Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. Shivani Bhargav. आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है 11th की आपके अंदर, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और एक चैप्टर का नाम ही अधूरा लिखा है मैंने, कोई नहीं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स नामक जो चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में नीड का प्यार क्या है, कहाँ से एग्जामिनर के फेवरेट सब टॉपिक से जहाँ से वो अधिकतर नीट में क्वेश्चन पूछता है, हमें पढ़ना नो डाउट सारा चैप्टर है, बट अगर हमें हर चैप्टर के नीट का प्यार पता हो, हमें ये पता हो कि एग्जामिनर अधिकतर रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो हम एटलीस्ट ये करेंगे, वी विल मेक इट श्योर कि उन सब टॉपिक से मेरा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में नीट का प्यार क्या है, चलिए ही मैं आपके साथ फटाफट से डिस्कस करती हूँ। फोटोसिंथेसिस में बड़ा ही ईजी सा टॉपिक है ये, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में टेम्परेचर का रोल, दुनिया भर के अपन रोल्स पढ़ते हैं कि क्या क्या है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन दो बारी 2016 और 17 में पूछा गया है, ठीक है। सी फोर पाथवे पढ़ते हैं अपन, सी थ्री साइकिल पढ़ते हैं अपन, सी टू साइकिल और फोटो रेस्पायरेशन पढ़ते हैं। सी फोर प्लांट्स के बारे में, सी फोर पाथवे की मैं बात करूं तो ये अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से है सी फोर साइकिल, सी फोर प्लांट्स के एग्जाम्पल, इसमें क्रेंज एनाटमी क्या होती है, क्रेंज एनाटमी, ये सब सी फोर पाथवे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये स्पेसिफिकली यहाँ से भी क्वेश्चन आता है क्रेंज एनाटमी से बेटा, ठीक है। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताती हूँ, उसमें ए बी सी डी डाल देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिलअप करो, उस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। सी फोर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, क्वेश्चन आ जाता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सी फोर साइकिल से बनता है। 2021 देखो 17, उसके बाद गैप लगा 21 और 22 में रिसेंटली लगातार पूछा गया, 2023 में हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले, 2011 में और 2010 में ये क्वेश्चन, मतलब 2010 और 11 रिपीटेड आया, फिर 17 में आया, 21 22 में, और हो सकता है 23 में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं, एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है। सी फोर प्लांट्स के एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, शोरगम है, मेज है, क्या क्या, मतलब सारे क्रेंज एनाटॉमी के बारे में, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और जो भी पॉइंट्स, यू हैव टू मेक इट श्योर यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सी टू साइकिल और फोटो रेस्पायरेशन जो है, किन किन उसका सीक्वेंस आता है कि कहाँ कहाँ पर ये होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, सी टू साइकिल किन में देखने को मिलता है, किन प्लांट्स में, सी थ्री में होता ही नहीं होता, सी फोर में होता ही नहीं होता, क्यों नहीं होता, अगर नहीं होता तो किस में, क्या है ये पूरा, यहाँ से क्वेश्चन 2016 में और 2012 में दो बारी पूछा गया, छोटू सा टॉपिक है, मतलब सी टू साइकिल फोटो रेस्पायरेशन पढ़ा देना, बकायदा आपको कॉन्टेक्स बता दो, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और उनके अलावा कहीं और से क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है अभी तक। ऐसे एक छोटू सा है रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, इमर्सन एंड आर्नोल्ड, टू फोटो सिस्टम और टू पिगमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, क्या होता है ये तमाम चीज़ें, यहाँ से भी 2016 में दो लाइन तीन लाइन का सारा नहीं है, वहाँ से भी नीड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ फेवरेट सब टॉपिक्स हैं, इसमें सी फोर पाथवे, सी टू साइकिल बहुत छोटू सा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, चाहे वो इमर्सन एनहेंसमेंट एंड रॉड ड्रॉप फिनोमिना हो गया, ये सारे हैं पर्टिकुलर चैप्टर के नीट का प्यार। पूरा चैप्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट वी हैव टू मेक इट श्योर कि यहाँ से कोई भी चीज़ हमारी गलत ना हो। सो दैट्स ऑल बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस, इट इज़ ऑल अबाउट माई टूडे सेशन। Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video and share the link as much as you can. Channel pe naye hain, ise abhi tak subscribe nahi kiya hai to tirant subscribe kare and hit the bell icon jisse ki aapka koi bhi notification miss na ho. That's all. It is all about this. Thank you. Bye bye. See you in the next class.